नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंचन टीवी न्यूज चैनल में। मैं कोमल कटारिया एक बार फिर मौजूद हूँ नई ताजा तरीन खबरें लेकर। हरियाणा विधानसभा में प्रचार अपने अंतिम स्तर पर पहुंचा है, ऐसे में सभी पार्टियां उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टियों के नींव मजबूत करने में लगी हुई है। अगर हम बात करें विधानसभा सभ्यों की, तो यहाँ पर सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनता को अपने पक्ष में करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सफेदों में कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष गांगोली इन दिनों डोर टू डोर जाकर जनता से मिल रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि आज कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष गांगोली करी सिंधु की जनता से मिले। अब देखना होगा कि वो अपनी बातों को और पार्टी की रणनीति को आगे रखकर सफेदों में जनता को कितना अपने पक्ष में कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई सुभाष जी का जो स्वागत किया है, उससे एक बात तो प्रतीत है। हमारे भाई वरुण खरब जी कह रहे थे कि भाई जिताकर भेजने की बात नहीं, बात ये कि रिकॉर्ड तोड़ मतलब जिताकर भेजने की, क्योंकि कल पूरे जिस तरीके से 5-6 गांव में गए, किसी गांव में लगा 70% वोट आई, कोई गाँव 80% नहीं गया था। तो भाई सिंधु गांव से भी 70-80% वोटों से भाई को जिताकर भेजने का काम गांव की सभी बिरादरी ने मिलकर करना है। एक तरफ आपका वो बेटा है जो सदाट किसान के परिवार से आपके बीच में आया, और भाई किसान की बात तो किसान का बेटा जानता है। एक ही बात है, जब 21 तारीख को चुनाव के वोट पड़े तो कांग्रेस के हाथ पहुंचे इंसान वाला बटन दबाकर भाई सुभाष को ज्यादा जीता वोटों से बजट बनाकर हरियाणा की विधानसभा भेजना है, ताकि सफेदों को विकास और उन्नति के रास्ते पर ले जाने का कार्य कर सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंधु गांव के मेरे पिता बोले बुजुर्गो, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, वह जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है मेरी माता और बहनों, बुजुर्गो, नौजवान दोस्तों, ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनसे कुछ अलग प्रकार का चुनाव है, क्योंकि पीछे जो कुछ भी चुनाव होते हुए एक पार्टी परंपरा के अनुसार करना पड़ेगा कि पार्टी की टिकट लाकर और फिर विधानसभा
लोकसभा का चुनाव लड़कर विधायक बन नहीं बनाया जा सकता। अब तो सुभाष की तरह जनता के बीच में काम करना पड़ेगा और खुद के पैसे से करना पड़ेगा। जो रोड कसौट का पैसा है उसमें से 10% 20% पैसा जरूर जनता के बीच में लगाना पड़ेगा। जब हम सामाजिकता की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, आज तो मैं अंधों में खाना राजा हूँ क्योंकि आज तक इस प्रकार के काम किसी ने किए। अगली बार आपके सामने बहुत बड़ा विकल्प होगा, 5-7-10 लोग इस प्रकार के काम करेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो उनमें से फिर आपके पास एक विकल्प बचेगा, वही में से जो सबसे अच्छा काम करता है उसको चुनो। फिर उससे अगली बार आएगा जब जब लोग देखेंगे मैं किसी पार्टी के टिकट से विधायक नहीं बनता, लोग तो उसको चुनते हैं जो समाज के काम करता है, समाज के अंदर काम करता है। उसके बाद अगली बार फिर 20-30 लोग आएंगे, उनमें से फिर आप चुनोगे एक आदमी को, फिर 50 लोग आएंगे। इसी प्रकार से जिला पार्षद का चुनाव लड़ने वाले लोग भी आपके बीच में आने शुरू हो जाएंगे, MP का चुनाव लड़ने वाले लोग भी आपके बीच में आने शुरू हो जाएंगे। यदि हमारा भला सरकारों से हो सकता होता तो अभी तक तो सबकी सरकारें आ रही, कांग्रेस की भी आ रही, BJP की भी आ रही, लोकदल की भी आ रही, हमारा भला नहीं हो सका। अब तो हमारा भला एक ही बात से हो सकता है, जो ये भ्रष्टाचार मचाकर जनता का पैसा लूटकर जो लोग अपने खूब पैसे के कोठे भरे हुए बैठे हैं, तो आप इस नई परंपरा की शुरुआत कर दो, वो सारा पैसा लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे और ये जो छोटी छोटी समस्याएं बहुत बड़ा विकराल रूप लेती हैं। जैसे कि आज हम देखें कसिंधु खान तो मेन रोड पर पड़ता है, यहाँ इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हमारे पूरे हरियाणा की बात करें या सभी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हमारे गाँव में हमारी आधी बेटियां पढ़े बगैर रह जाती है क्योंकि उनके लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं है, ऐसी सुरक्षा नहीं है, हमारी बेटियां कॉलेज तक सुरक्षित जा सके और सुरक्षित वापस आ सके। जब आप मुझे विधानसभा में भेजोगे, ये जो काम मैंने कर रखे मैंने तो कर ही रखे हैं, मेरा तो हौसला इस बात से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 5-7 वर्ष तो मैं और नाजिमा लड़कियां के लिए। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहेगा कंचन TV न्यूज चैनल पे। मैं कोमल कटारिया फिर हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल कंचन TV, आपकी आवाज, और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।